कोरबा जिले के सभी निकाय क्षेत्रों के स्कूल भवनों का सर्वे कराकर जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार करने अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर रानू साहू ने आयुक्त प्रभाकर पांडे व अन्य अधिकारियों के साथ कोरबा शहर के विद्यालयों का निरीक्षण किया। कलेक्टर रानू साहू ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरबा जिले के सभी चारों नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित विद्यालय भवनों का सर्वे कराकर आवश्यकतानुसार जीर्णोद्धार, मरम्मत, नवनिर्माण एवं सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव त्वरित रूप से तैयार कराए ताकि आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व विद्यालय भवनों को सुसज्जित कर उन्हें नवीन लुक दिया जा सके। कलेक्टर रानू साहू ने आयुक्त प्रभाकर पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज व अधिकारियों की टीम के साथ कोरबा शहर के विद्यालय भवनों का निरीक्षण किया। कलेक्टर शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला सीतामणि पहुंची। उन्होंने विद्यालय भवन का निरीक्षण करते हुए स्कूल के पिछले हिस्से में स्थित पुराने व जर्जर भवन को डिसमेंटल कर उसके स्थान पर नया अतिरिक्त भवन बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर एलईडी बोर्ड लगाने, विद्यालय भवन के बाहर एवं कमरों के अंदर रंग रोगन व पेंटिंग करने, आवश्यक मरम्मत कार्य करने एवं विद्यालय भवन के सामने मुख्य मार्ग के किनारे स्थित नाली को कवर्ड करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने कोतवाली थाना के सामने स्थित प्राथमिक शाला भवन का निरीक्षण किया। भवन में किए जा रहे पेंटिंग व पोताई कार्य का अवलोकन कर कार्य के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। शहरी क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों का रंग रोदन हमें किया करना है और उनमें मरम्मत की आवश्यकता या अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है तो वो हमें शीघ्र करना है ताकि आगामी शिक्षण सत्र में जो बच्चे हैं उनको बेहतर एनवायरनमेंट के साथ अच्छा स्कूल मिल सके। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।